हेलो दोस्तों, आज हम लोग एवरेज का पार्ट 3 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज 16वें मैच में 81 रन बनाता है और इस प्रकार प्रति मैच उसका औसत 3 से बढ़ जाता है। 16वें मैच के बाद उसका औसत क्या होगा? देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए। पहले क्या कर रहा है? कह रहा है एक बल्लेबाज है, यानी क्रिकेट खेल रहा है एक बल्लेबाज। कर रहा है 16वें मैच में 81 रन बनाता है, यानी खास 16वें मैच में, यानी 15 मैच खेला होगा तो कुछ रन बना दिया होगा, लेकिन जब 16वां मैच खेला तो खास बात हो रहा है कि 16वां मैच में 81 रन बनाता है। ठीक है, और इस प्रकार प्रति मैच उसका 3 से बढ़ जाता है, यानी औसत 3 से बढ़ जाता है। यानी 16वें मैच में 81 रन बनाने से उसका औसत जो है 3 से बढ़ गया। 16वें मैच के बाद उसका औसत क्या था? देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए याद रखिएगा कि औसत में कमी बोलेगा, औसत में कमी बोलता तो रन को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिक है। औसत में कमी तो रन को जोड़ना है, और औसत में अगर वृद्धि बोलेगा, औसत में वृद्धि तो रन को घटाना है, रन को घटाना है। अब बनाएंगे कैसे? देखिए, जैवी पारी के बाद का औसत पूछे, उसमें से हमेशा एक घटाइएगा, हमेशा एक घटाना है। तो कह रहा है 16वें मैच के बाद, तो 16वें मैच के बाद पूछ रहा है तो 16 में से एक घटाएंगे। ठीक है, 16 में से एक घटाएंगे, यानी जैवी पारी के बाद बोलेगा उसमें से एक घटाना है, और औसत कमी या वृद्धि जो भी दिया रहे उसको गुना कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ औसत कितना बढ़ता है? 3 का, तो 3 से गुना कर लेना है। औसत में जितना कमी है वृद्धि उतना गुना करना है। जैवी पारी के बाद बोलेगा उसमें से एक घटाना है, और औसत कमी है वृद्धि से गुना करना है। अब देखिए, औसत में क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। औसत क्या हुआ? 3 रन वृद्धि किया है, तो औसत में 3 का वृद्धि किया है, तो वृद्धि में क्या करेंगे? रन को घटाएंगे। कितना रन? 81 रन, -81 कर लीजिए, निकल जाएगा 16वीं पारी के बाद का औसत। देखिए, 16 से गया 15, 15 45, 81 में से 45 घटाइएगा। ठीक है, कर लीजिए 45 -81 कितना हो जाएगा? 36। देखिए, आएगा -36। ठीक है, यहाँ क्या आएगा? कहिए -81 में से 45 घटा देखे ना, आएगा -36, तो -36 आएगा, लेकिन रन जो होता है वो माइनस में नहीं होता है। ठीक है, तो क्या मानिएगा? इसको प्लस में रहने दीजिएगा, यानी 36 रन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 रन। ऑप्शन कौन जाएगा? डी नंबर, ऑप्शन जाएगा डी नंबर। एक बार और समझ लीजिए क्वेश्चन को। जैवी पारी के बाद का औसत निकालना रहे उसमें से एक घटाएंगे, और औसत कमी या वृद्धि से गुना। अब औसत में वृद्धि तो रन को घटाएंगे, और औसत में कमी बोलता है रन को जोड़ लेते हैं, और इसको सोल्यूशन कर देना है। सोल्यूशन करने के बाद जो आंसर आएगा वही हो जाएगा उसका आंसर। तो यहाँ कह रहा है 16वें मैच के बाद का औसत कितना, तो 16 में से एक घटाएंगे, औसत 3 से बढ़ गया था तो औसत से गुना, अब औसत में वृद्धि किया तो रन को घटाना है, तो यहां से निकल गया 36, आंसर निकल गया 36। इस तरह क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। आई दूसरा क्वेश्चन, किसी बल्लेबाज का 12 पारियों का एक निश्चित औसत है। ठीक है, 12 पारी में कोई एक निश्चित औसत होगा, रन मारा तो औसत होगा 12 पारी तक। 13वीं पारी, देखिए यहाँ हुआ कहीं पारी, 13वीं, 13वीं पारी में वह 96 रन बनाता है, यानी खास 13वीं पारी में 96 रन बनाता है, जिसके चलते उसके औसत में 5 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो 13वीं पारी के बाद उसका औसत क्या था बताइए? कहीं पारी के बाद पूछ रहा है 13वीं, 13 में से एक घटाएंगे -1, और औसत कमी या वृद्धि से गुना, तो औसत कितना रन का वृद्धि? 5 का, तो 5 से गुना। अब औसत में वृद्धि किया है तो रन का क्या घटाएंगे? रन को घटाएंगे -96, जो सोल्यूशन करके आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। यहाँ जाएगा 12 25 60, 36 में से 60 घटेगा, तो 36 में 60 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 36 आएगा माइनस में, लेकिन माइनस में रन नहीं होता है इसलिए प्लस में रहने देना है, यानी कितना 36। कौन सा ऑप्शन जा रहा है? तो ऑप्शन सी नंबर जा रहा है, 36 रन, 13वीं पारी के बाद का औसत कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज
19वीं पारी में 78 रन बनाता है, यानी 18 पारी तक उसका कोई औसत होगा, और जब 19वां पारी खेला तो 19वां पारी में 78 रन बनाया और उसका औसत रन संख्या 2 कम हो जाता है, यानी अक्का हो गया 2 कम हो जाता है। 19वीं पारी के बाद का औसत रन क्या है? कई पारी के बाद 19वीं पारी, 19वीं पारी के बाद बोलेगा तो 19 में से एक घटाएंगे, हमेशा एक ही घटाना है, तो औसत और कमी का जो रहेगा वो गुना करना है। तो औसत कितना कम होता है? 2 का, तो 2 से गुना। अब बताइए औसत क्या बोला? कमी, तो औसत कमी तो रन को जोड़ना है, रन को जोड़ना है कितना? 78। आ जाएगा 18 दुनी 36, 36 प्लस 78 हो जाएगा 8 6 14, 7 3 10 11, 114 रन। यानी 19वीं पारी के बाद का औसत रन कितना हो जाएगा? 114 रन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा? बी नंबर, 114 रन। 19वीं पारी के बाद का औसत रन कितना हो जाएगा? 114। अगर यही पूछता कि 19वीं पारी के पहले का औसत कितना, ठीक है, पहले वाला पूछता तो बताइए 19वीं पारी में 78 रन बनाया तो 2 का कम हो जाता है, यानी औसत क्या हुआ? 2 का कमी हो गया है, तो ये हो गया 114। कब? 19वीं पारी में, 19वीं पारी के बाद। अब पहले कितना, यानी 18वीं पारी तक कितना हो जाएगा? 2 वृद्धि में हुआ होगा, दो जोड़ लेते हैं, तो पहले वाला था यानी 116 था 18वीं पारी तक, और 19वीं पारी में 78 रन बनाया था, 2 का कम हो गया, यानी हो गया कितना? 116 में 2 गया तो 114। तो अगर पहले वाला पूछता तो यहाँ कम था तो यहाँ जोड़ लेते, और यहाँ अगर वृद्धि रहता तो यहाँ घटा लेते, लेकिन पहले वाला नहीं पूछा है, हमको पूछा 19वीं पारी के बाद का, तो बाद के लिए यही वाला रूल लगाएंगे। आगे 4 नंबर क्वेश्चन करें, किसी बल्लेबाज ने अपने करियर के 21वें मैच में 87 रन बनाए, कई मैच में 21वें मैच में, उसके प्रति मैच रनों का औसत 2 से बढ़ गया, यानी 21वें मैच में 87 रन बनाया तो उसका औसत 2 से बढ़ गया, 21वें मैच के पहले उसका औसत रन क्या था? यानी 21वें मैच के पहले का औसत पूछ रहा है, यानी 20वीं पारी तक उसका औसत कितना था, तो निकालिए, पहले निकालिएगा कि बाद का औसत निकालने के लिए सीखे हैं, तो बताइए 21वीं मैच के बाद का औसत कितना होगा, पहले बाद का निकाल लीजिए। तो क्या कहते हैं, जैमी पारी के बाद निकालना रहे उसमें से घटाएंगे, तो 21 में से एक घटेगा, और जितना औसत कमी या वृद्धि तो गुना करेंगे, तो 2 का वृद्धि तो 2 जोड़ लेंगे, 2 गुना करेंगे। अब यहां 2 का हुआ है, बढ़ गया है, तो वृद्धि किया है तो रन को घटाना है, -87, तो आ जाएगा 2 दुनी 40। अब बताइए 87 में से 40 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 47 रन। इस 47 रन जो आया है क्या आया है? 21वीं मैच के बाद का आया है, ये क्या निकाल रहे हैं? के बाद का, के बाद का, ठीक है, ये 21वीं मैच के, 21वें पारी के बाद का औसत, ये बाद का औसत आया है, लेकिन हमको पूछा है क्या 21वीं मैच के पहले का औसत कितना था, पहले वाला निकालना है, बताइए बाद का औसत 47 है, ये 47 कब आया होगा? 2 का वृद्धि करके आया होगा, इसका मतलब पहले कितना हुआ होगा, तो 2 कम ही हुआ होगा, 2 घटा देंगे, ये 47 2 का कितना? 45 रन। यानी 21वीं मैच के पहले का औसत कितना है? 45 है। अगर बाद का पूछता तो 47, लेकिन अगर पहले का पूछ रहा है तो यहाँ 2 वृद्धि तो यहाँ कमी करेंगे, यहाँ अगर 2 कमी है तो यहाँ वृद्धि करते हैं, तो आ जाएगा ऑप्शन कौन नंबर? ऑप्शन आ जाएगा ए नंबर, तो याद रखिएगा इसको। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन यहां से टाइप चेंज किया है, ठीक है, अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन आया है, तो कह रहा है 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे, यानी एवरेज कितना था? 65 था, ये 65 था, कितना विद्यार्थी के लिए? 50 छात्रों के लिए, 50 छात्रों के लिए। अब कह रहा है बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिए गए थे, यानी जो 65 निकला है औसत कम निकला है, तो एक लड़का का अंक जो है 38 के स्थान पर कितना लिख दिया है? 83 लिख दिया है, इस तरह क्वेश्चन लिखा, गलती हो जाएगा, यानी गलती से लिख देगा ज्यादा या कम लिखेगा, तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए सीखेगा। कह रहा है सही औसत क्या है, देखिए इस तरह से पहले समझने के लिए देखिए कि लिखा है कितना, लिखा है, और लिखना था कितना, लिखना था, बताइए लिखा है कितना? 83, लेकिन लिखना था कितना? 38, तो घटाइए तो कितना ज्यादा लिख दिया है, यानी घटेगा तो कितना जाएगा? 5, और यहां बचा 7, समझे 4, यानी 45 का वृद्धि हुआ है, यानी 45 ज्यादा लिखा है,
पैतालीस ज्यादा लिखा है, हम लोग देखते हैं कि एक छात्र का अंक 45 ज्यादा लिख दिया है, यानी 38 लिखना था, 45 और जोड़ करके लिख दिया, यानी कितना लिखते राशि, तो 45 जो वृद्धि किया है उस सबके लिए वृद्धि किया होगा, यानी 50 लड़कों के लिए वृद्धि किया होगा औसत में। देखते हैं औसत में कितना वृद्धि, एवरेज में कितना का वृद्धि, एवरेज में वृद्धि देख लीजिए, 45 जो वृद्धि किया है अगर सबके लिए बांटिएगा 50 छात्र के लिए तो कितना का वृद्धि होगा, तो कटेगा 9 × 5 = 45 यानी 0.9 का वृद्धि, यानी एवरेज में कितना का वृद्धि किया है, 0.9 का वृद्धि। बताइए ये 65 जो औसत है वो क्या है, तो 0.9 वृद्धि करके लिखा था, इसका मतलब सही औसत कितना, तो सही औसत लिखेंगे, सही एवरेज, देखिए एवरेज था 65, अब एवरेज में कितना का वृद्धि लिख दिया है 0.9 का, तो वृद्धि बोला है यहाँ वृद्धि लिखा है, तो क्या कमी करना होगा, 0.9 कमी कर लेंगे तो जाएगा 64.1, यानी इसका सही औसत कितना था 64.1, ऑप्शन कौन जाएगा, तो ऑप्शन सी नंबर, ऑप्शन सी। एक बार और समझ लीजिए क्वेश्चन को, देखिए 50 छात्र किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे, यानी 50 छात्र है एवरेज कितना 65, लेकिन 65 कब आया है, तो एक लड़का का अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिया, बताइए 38 लिखना था लेकिन लिख दिया कितना 83, तो कितना ज्यादा लिखा, 45 का ज्यादा लिखा, ये देखिएगा डिफरेंस करके कि कितना ज्यादा लिखा या कितना कम लिखा, तो दोनों घटाइएगा तो पता चल जाएगा यहां से, तो 45 का वृद्धि लिखा, तो बताइए एवरेज में कितना का वृद्धि लिखा होगा, तो 45 का वृद्धि किया तो टोटल संख्या से भाग दीजिएगा 50 से, 50 के लिए बांट लीजिए, यानी 0.9 का वृद्धि, और बताइए एवरेज जो लिखा है वो 0.9 वृद्धि करके लिखा है, तो सही एवरेज कितना होना चाहिए, तो क्या करेंगे 65 में जितना वृद्धि करके लिखा उतना घटा लेंगे, तो सही एवरेज कितना जाएगा 64.1 हो जाएगा। आइए छठा नंबर क्वेश्चन, करा 100 मंदों का औसत 30 पाया गया है, यानी 100 मंदों का औसत कितना 30 पाया गया है, यानी 100 वो होगा कुछ और उसका एवरेज कितना पाया गया है, एवरेज 30, लेकिन बोला है यदि गिनती के समय 2 मंदों को 23 और 11 के स्थान पर गलती से 32 और 12 गिना गया, बताइए लिखा गया कितना, यानी गिना गया कितना 32 + 12, ये लिखा गया लेकिन लिखना था कितना, तो 23 + 11, 23 + 11 लिखना था लेकिन लिखा गया कितना 32 और 12, तो दोनों का अंतर करके देखते हैं कितना ज्यादा या कम लिखा है, बताइए 32 और 12 लिखिएगा तो कितना जाएगा 44 और 23 और 11 लिखेगा तो कितना 34, यानी 10 ज्यादा लिखा है, यानी दोनों मिलाकर क्या हुआ 10 का वृद्धि हुआ है, यानी 10 का वृद्धि करके लिखा है, बताइए 10 वृद्धि लिखा है यानी कुल में 10 का वृद्धि, एवरेज में कितना का वृद्धि, एवरेज में कितना का 10 वृद्धि का गया, इसको एवरेज में कन्वर्ट कीजिए, 10 का वृद्धि और कितना है 100 मंद है, 100 से भागा, यानी कितना जाएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 0.1 का वृद्धि लिखा है, यानी एवरेज में कितना करके लिखा होगा, तो 0.1 वृद्धि करके लिखा होगा, तो सही एवरेज कितना हो जाएगा, तो सही एवरेज कितना हो जाएगा, तो पहले एवरेज था 30, ये 30 कब लिखा गया है, तो 0.1 वृद्धि करके लिखा है, 0.1 घटा देंगे, यानी कितना जाएगा 29.9, 29.9 क्या था, सही एवरेज था, यानी ऑप्शन कौन जाएगा, सी नंबर, ऑप्शन सी नंबर जाएगा। एक बार और समझ लीजिए कि 100 मंदों का औसत 30 पाया गया, यानी 100 को कोई वस्तु होगा उसका एवरेज कितना पाया गया 30, लेकिन गलती से 2 मंदों को 23 और 11 के स्थान पर, यानी 23 और 11 लिखना था, तो दोनों को मिलाकर कितना लिखना था, 23 और 11 जोड़िएगा तो 34, यानी 34 लिखना था लेकिन दोनों के स्थान पर कितना लिख दिया 32 और 12 लिख दिया, 32 और 12 जोड़िएगा कितना 44, यानी दोनों मिलाकर 44 लिख दिया गया लेकिन लिखना था कितना 34, यानी कितना ज्यादा लिखा तो 10, 10 ज्यादा लिखा तो एवरेज में कितना हुआ, तो 100 में 100 से भाग कर देंगे 10 में, 10 / 100 यानी 0.1 का वृद्धि, यानी 30 जो एवरेज लिखा गया है वो 0.1 वृद्धि करके लिखा गया है, तो सही एवरेज कितना हो जाएगा, यहाँ वृद्धि करके लिखेगा तो घटा लीजिएगा, सही औसत लाने के लिए घटाएंगे, तो 30 में से 0.1 घटेगा कितना 29.9, यानी सही एवरेज है 29.9। आइए सातवां नंबर क्वेश्चन, देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन से थोड़ा टाइप चेंज किया है, पहला टाइप में बताए थे, पहला क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बताए थे पहला से, उसमें बल्लेबाज वाला क्वेश्चन, और फिर पांचवा और छठा बताया आपको क्वेश्चन जो गलती से लिख दिया गया था, तो सही औसत कितना,
और अब सातवां से क्वेश्चन थोड़ा टच चेंज किया है, इस तरह क्वेश्चन देखिए थोड़ा याद रखिएगा इसमें, अगर प्लस और माइनस, माइनस और प्लस, प्लस प्लस माइनस माइनस, अगर इस तरह से साइन आते हैं तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, हम लोग सीखेंगे एवरेज में इस तरह का करने के लिए। देखिए प्लस और माइनस अगर साइन आते हैं तो इसको जोड़ दीजिएगा, अगर माइनस प्लस का साइन आएंगे तो इसको भी जोड़ना है, ठीक है, जोड़ना है, लेकिन एक ही साइन आ जाए तो घटा दीजिएगा, एक ही साइन आ जाएगा तो घटा देना है, ठीक है, इस तरह से करेंगे। देखिए बोला 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, मतलब ये 10 व्यक्ति है और उसका 2 वर्ष बढ़ जाएगा तो कितना का वृद्धि करेगा, तो 10 गुना 2 कीजिएगा ना, दो दो साल के लिए वृद्धि करेगा तो कितना वृद्धि, 20 का वृद्धि, 20 का क्या वृद्धि, 20 का वृद्धि, तो यहाँ 20 का वृद्धि किया, वृद्धि किया मतलब प्लस। फिर देखिए कब बढ़ता है, जब उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 15 वर्ष तथा 25 वर्ष के हैं, देखिए 15 वर्ष और 25 वर्ष के हैं, के स्थान पर 2 औरतें आ जाती है, दोनों नई औरतों की औसत आयु कितना, बताइए ये दोनों मिलकर निकलेगा, ये दोनों व्यक्ति क्या होगा निकलेगा, एगो 15 साल वाला निकल जाएगा, एगो 25 साल वाला निकलेगा, तो कितना लेकर निकलेगा, 40 लेकर निकलेगा, 25 और 15 करना 40, 40 लेकर क्या होगा निकला, तो निकला तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस, यहाँ कर लीजिएगा माइनस माइनस। अब देखिए प्लस और माइनस अलग अलग साइन तो क्या किए हैं, जोड़े हैं, तो जोड़ लीजिए 40 और 20 करना 60, ये 60 वर्ष क्या आएगा, दोनों नई औरतों की कुल आयु आएगा, ये क्या है, दोनों नई औरतों, नई औरतों की कुल आयु आएगा, कुल आयु यानी दोनों नई औरतों की कुल आयु कितना आ गया 60 वर्ष, इन दोनों मिलकर कितना लाया 60, तो पूछा है दोनों नई औरतों की औसत आयु कितना, एवरेज में बोला है तो 60 है दोनों मिलाकर और 2 वो औरत है तो 2 से भागा, यानी एवरेज में कितना 30, यही निकल गया दोनों नई औरतों को एवरेज एज कितना 30 साल, यानी ऑप्शन कौन जाएगा सी नंबर, ऑप्शन सी। फिर एक बार समझिएगा कि 10 व्यक्ति की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है, कब, जब इनमें से 2 व्यक्ति जो है वो 15 साल वाला और 25 साल वाला निकल गया और उसके स्थान पर 2 को नया औरत आ गया, तो इस तरह से व्यक्ति निकलेगा या उसके स्थान पर औरत आ जाए या लड़का आ जाए, तो इस तरह क्वेश्चन के लिए निकलेगा और कोई आएगा, तो इस तरह क्वेश्चन के लिए, तो 10 व्यक्ति है और 2 वर्ष बढ़ रहा है सबके लिए, यानी कितना का वृद्धि किया, 10 ना 20, 20 का वृद्धि, तो 20 प्लस में लिखेंगे, और निकला कौन, तो 2 व्यक्ति 15 साल वाला और 25 साल वाला, यानी कितना लेकर निकला 40, तो माइनस यहाँ 40, अब प्लस माइनस अलग अलग साइन तो जोड़ लेंगे, तो 40 और 20 करना 60, यानी 60 वर्ष दोनों नई औरतों की कुल आयु होगा, तो एवरेज में कितना मिला 60 बता 2 यानी 30। देखिए इस तरह समझिए से एवरेज मतलब क्या होता है, एवरेज मतलब होता है सबके लिए बराबर बराबर हिस्सा, सबके लिए क्या होता है बराबर बराबर हिस्सा। अब देखिए यहाँ पर करा एक जो व्यक्ति है वो 15 साल का निकला और एक व्यक्ति जो है 25 साल के निकला, तो कितना लेकर निकला होगा, तो 25 और 15 कितना 40 लेकर निकला। अगर एवरेज कोई परिवर्तन नहीं होता कब, जब जितना लेकर निकला है उतना ही लेकर कोई आ जाए, यानी 2 को मिलकर 40 लेकर निकला है, अगर 2 को मिलकर 40 लेकर आ जाए तो एवरेज में कोई परिवर्तन करेगा नहीं, लेकिन परिवर्तन कर गया क्या हुआ 2-2 साल बढ़ गया, इसका मतलब 2-2 रुपया यानी 2-2 वर्ष सबके लिए ज्यादा लेकर आया है। बताइए 40 तो लेकर एवरेज करेगा और साथ में कितना लेकर आएगा दोनों नए औरत, तो 10 दूना 20, 20 और लेकर आएगा यानी कितना लेकर आएगा दोनों मिलकर, दोनों मिलकर 60 लेकर आएगा, तो एवरेज में निकालना है तो 60 भागा 2 यानी कितना जाएगा 30। इस तरह से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। आइए 8वां नंबर क्वेश्चन, किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, 15 छात्रों के लिए औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है तो वृद्धि करेगा तो कितना का, तो 15 वो विद्यार्थी के लिए 1.5 केजी सबके लिए वृद्धि करेगा यानी कितना, तो 15 गुने 15 कीजिएगा तो कितना 225 और एक अंक 2.5 यानी 22.5 केजी टोटल मिलाकर वृद्धि किया है। जब 40 किलोग्राम वजन के स्थान पर एक की जगह एक नया छात्र आ जाता है यानी 40 केजी वाला निकला होगा और उसके स्थान पर एक नया आएगा, देखिए 22.5 केजी क्या हुआ यहाँ पर वृद्धि ने किया है, 22.5 क्या होगा प्लस, और 40 केजी वाला वजन का हुआ छात्र निकल रहा है यानी कितना माइनस 40, तो यहां जुड़ेगा प्लस माइनस क्या हुआ जुड़ेगा, तो 40 और 22 कितना हो जाएगा 62.5, यानी जो नया छात्र आया है वो कितना लेकर आया है 62.5 किलोग्राम लेकर आया, 62.5 यानी 40 वाला निकला, अगर 40 से लेकर आता तब तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता,
तो 40 तो कम से कम लगे किया होगा, यानी 40 कम से कम लगा होगा, और कितना लगा होगा? तो वो 1.5 केजी सब के लिए लगा होगा, 15 विद्यार्थी के लिए, यानी कितना और लेकर आया होगा? तो 12.5 और लेकर आया होगा, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा? 62.5। तो इस तरह से बना लीजिए सोच करके कि 40 लेकर निकला तो 40 लेकर आएगा तो कोई एवरेज में परिवर्तन नहीं, यानी कम से कम तो 40 जरूर लाया होगा, और 1.5 केजी सब के लिए ज्यादा लाया, यानी कितना ज्यादा लाया? तो 12.5, ये दोनों को जोड़िए तो कितना? 62.5 लेकर आया है। या ऐसे भी सोच सकते हैं कि 15 छात्रों के लिए 1.5 केजी वृद्धि किया है, यानी टोटल कितना वृद्धि किया होगा? 15 × 1.5 यानी 22.5 केजी वृद्धि किया है, वृद्धि किया तो प्लस, और निकला कौन वाला? तो 40 किलो वजन वाला, तो माइनस 40, और प्लस माइनस अलग अलग साइन, तो क्या होगा? जोड़ देंगे तो 62.5, यही आंसर हो जाएगा। आइए नौवा नंबर देखो, नौवा नंबर टाइप चेंज कर गया है, और ऐसा टाइप के क्वेश्चन को हम जब एलिगेशन का पार्ट 2 पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे, एलिगेशन वाला, एलिगेशन लगाकर निकालते थे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कह रहा है यहां से, किसी परीक्षा में 100 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 30 है, यानी टोटल 100 उम्मीदवार है, उसका औसत कितना है? 30। तो 100 उम्मीदवार का टोटल मिलाकर कितना? औसत 30। यदि उत्तीर्ण उम्मीदवार के अंकों का औसत 35 और अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों का औसत 10 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या कितना है? देखिए जो भी विद्यार्थी होता है, अगर परीक्षा देता है तो परीक्षा में 2 रिजल्ट होता है, पास या फेल। तो पास का औसत दिया है, फेल का औसत दिया है, और दोनों को मिला दिए तो टोटल विद्यार्थी का औसत दिया है, तो औसत औसत औसत, तो एलिगेशन लगा सकते हैं। तो देखिए पास और फेल, तो पास का औसत कितना है? 35, और फेल का औसत कितना है? 10। अब पास और फेल मिला देंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे यानी टोटल मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। तो मिलाने के बाद सभी विद्यार्थी का औसत कितना? 30। तो सभी को मिलाने के बाद औसत कितना? 30। तो यहाँ 30 रखेंगे। अब तीक्षा ही क्या करते थे? घटाते थे, ठीक है। तो 35 में से 30 जाएगा तो कितना? 5, और 30 में से 10 घटाएगा तो कितना? 20। यानी पास और फेल का रेशियो कितना का रेशियो है? 20:5। इसको काटेगा तो 5 × 20 यानी 4:1 का, यानी पास 4 को करेगा तो फेल 1 को करेगा, तो बताइए टोटल मिलाकर कितना? अनुपात में 5, लेकिन टोटल मिलाकर विद्यार्थी कितना? 100। अनुपात 5 = 100। देखिए 4:1 क्या दर्शाएगा? यहाँ से संख्या का रेशियो दर्शाएगा, तो टोटल अनुपात में संख्या 5, लेकिन विद्यार्थी की संख्या कितना है? 100। अनुपात 5 = 100, अनुपात 1 = कितना हो जाएगा? 20। अनुपात 1 = 20, तो बताइए अनुपात 4 = कितना हो जाएगा? 20 = 80। अनुपात 1 = कितना हो जाएगा? 20। यानी 80 को पास किया है तो 20 को फेल किया है, ठीक है। यानी पास की संख्या कितना हो जाएगा यहाँ से? तो पास की संख्या हो जाएगा 80 को, और फेल कितना किया है? अनुपात 1, अनुपात 1 = कितना? 20। यानी 80 को पास और 20 को फेल। इस तरह का क्वेश्चन बहुत सा बताया गया है एलिगेशन के पार्ट 2 में, तो देख लीजिएगा एलिगेशन लगाकर कैसे बनाते थे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।